खिलाड़ियों को ग्रुप ए बी सी में नहीं दिया जाएगा, डी में ले जाया जाएगा। अरे आप कौन सा क्या भर्ती हुए थे, वो कौन सा ग्रुप था? आप तो डीएसपी भर्ती हुए थे, तो अब आप जो करा जो डीएसपी भर्ती हुए थे वो बाहर अब देख लो कैसे हैं। बाहर का छोड़ो, मैं तो यहाँ की बात हरियाणा की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक खिलाड़ियों के ए बी सी में नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे खिलाड़ी? आप ये कर रहे हैं है? हाँ अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मैं नहीं लूंगा, लेकिन हैं पीछा जब बजट में पेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा बजट का सारांश दे दूं, फिर इनका जो इन्हें शेर पड़े थे हमारे पे उतरे थे। बजट का सारांश अध्यक्ष महोदय क्यों ज्यादा सामान लेना चाहता? काम धंधे ठप हैं, उद्योग धंधे चट हैं और रोजगार सफा चट है। बस यही बीजेपी जेजेपी का बजट है। हर वर्ग आहत है, नहीं किसी को राहत है, हाहाकार की हालात है, सब पर भारी संकट है। बस यही बीजेपी जेजेपी का बजट है। प्रदेश पर भारी कर्ज है, सरकार बड़ी खुदगर्ज है, नहीं निभाया कोई फर्ज है, बस झूठे वादों की रट है। बस बीजेपी का यही बीजेपी जेजेपी का ये बजट है। किसान गरीब मजदूर कर्मचारी व्यापारी सब कंगाल हैं, महंगाई मंदी का जंजाल है, ना किसी से वास्ता ना किसी की संभाल है, बस यही बीजेपी जेजेपी का बजट है। देखिए आपको साथ आ रहा हूँ, एक और बात बताऊँ आप, मैं इसमें वो नहीं कर रहा, बहुत सारी आपने वायदे किए थे, लेकिन जब से जो आपने साथी मिलाए अपने जो आपको यमुना पार कर रहे थे, वो और भट्ठा बैठ रहा है पूरे प्रदेश का साथी जब से मिलाया आपने अपने। देखिए आपने कहा था मुख्यमंत्री जी मेरे को, एक शेर पढ़ाया था आपने, हवा को कह दो कुछ अजमा कर देख ले, बहुत चिराग बुझाती है, एक जलाकर तो दिखा दे। हाँ मैं इस उसका उत्तर मैं पढ़ता हूँ। बुझ जाते हैं दिए कभी, तेल की कमी में भी, हर बार कसूर हवा के जोखों का नहीं होता। और दूसरा, मुझे चिराग जलाने का मशवरा देकर, मेरे को चिराग जलाने का मशावरा देकर वो हवाओं के साथ शामिल हो गया। हवाओं के साथ शामिल हो गया चिराग पे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ ये बजट बिल्कुल खोखला है, और आखिर में यही है इस बजट में। धन्यवाद। ना कुछ लेना ना कुछ देना, जयराम जी की बाबा। धन्यवाद। अब तो होलिया जी पहले आप बोल लिए पहले सर।